The nation will now confer awards to its soldiers for gallantry. The Ashok India's Chakra. Highest peacetime gallantry award. Corporal Jyoti Prakash Nirala, Bhartiya Vayu Sena, Suraksha, Marnoparant. ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद अशोक चक्र दिया जाएगा. आपको बता दें ज्योति प्रकाश निराला का परिवार इस वक्त अशोक चक्र लेने के लिए आगे की ओर बढ़ता हुआ. कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला भारतीय वायुसेना के एक विशेष गरुड़ बल यूनिट की तैनात नफरी पर मौजूद थे जो जम्मू में विद्रोह गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन रक्षक के तहत राष्ट्रीय राइफल बटालियन के साथ सक्रिय कार्रवाई से जुड़ा था. उनके परिवार के लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. मानवीय क्षति जिसकी भरपाई नहीं हो सकती लेकिन परिवार के लिए गर्व करने का ये मौका. 18 नवंबर 2017 को विशिष्ट तकनीकी सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के चंदरगेर गांव में गरुड़ टुकड़ी और राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा संयुक्त रूप से एक धावा बोला गया था. गरुड़ टुकड़ी लक्ष्य की ओर छिपकर आगे बढ़ रही थी जहां पर संदिग्ध आतंकवादी बैठे हुए थे. विशेष गरुड़ बल यूनिट की तैनात नफरी पर थे जो जम्मू कश्मीर में विद्रोह गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन रक्षक के तहत राष्ट्रीय राइफल बटालियन के साथ सक्रिय कार्रवाई से जुड़ा था. 18 नवंबर 2017 को विशिष्ट तकनीकी आसूचना के आधार पर चंदरगेर गांव में संयुक्त रूप से एक धावा बोला गया. कॉर्पोरल निराला ने असाधारण साहस और सटीक युद्ध कौशल का प्रयोग करते हुए आतंकवादियों के निकल भागने की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया. तभी संदिग्ध मकान में छिपे 6 आतंकवादी दल पर गोलीबारी करते और हथगोला फेंकते हुए बाहर की ओर भागे. अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए कॉर्पोरल निराला ने 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया तथा 2 अन्य को घायल कर दिया. गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद उन्होंने जवाबी गोलीबारी जारी रखी जिसमें सभी 6 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया. बाद में गोलियों की घातक चोट से वे वीर गति को प्राप्त हो गए. कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने आतंकवादियों के साथ लड़ने में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया. कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की पत्नी श्रीमती सुषमा नंद, साथ में है उनकी माताजी श्रीमती मालती देवी. Time stands still and the nation bows in tribute. Poignant moments that evoke thoughts from the Upanishads. Not by action, not by progeny, not by wealth, but by sacrifice alone can the goal of immortality be achieved. Thoughts that are eternal and timeless, echoing sacrifice of the highest order. कार्पोरल ज्योति प्रकाश निराला जिनको मरणोपरांत अमर जवानों को अशोक चक्र जो भारत का शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान है वो दिया गया है. और इस पर मैं चाहूंगी संदीप मेहता जी आप बताएं. आपने कहा था कि इसके पहले वायुसेना में एयरफोर्स में सिर्फ 1 लोगों को मिला है और ये दूसरे शख्स बने. पीस टाइम में हाईएस्ट अवार्ड के लिए कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया है जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है पीस टाइम के लिए. इसके पहले भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह शेखों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था. वो 71 में वॉर के लिए दुश्मन के खिलाफ दिया गया था. ये है एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.